है सुना ठीक है ना, ऐ फोकस करो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस करने के लिए हम फाइनेंस का व्यवस्था कहां से करेंगे, रुपया का व्यवस्था कहां से करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, क्योंकि फाइनेंस इज द लाइफब्लड ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हैं। तो उसके स्रोत क्या है, कहां से जुगाड़ करेंगे रुपया का, यही हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, कहां पे भाई, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ बिजनेस, सुनिए सुनिएगा ध्यान से, शुरुआत में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, शुरुआत में बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है जो कि फैमिली से मिल जाता है, दोस्त यार से मिल जाता है, रिश्तेदारों से मिल जाता है, शुरुआत में बिजनेस करने के लिए करेगा चाहिए होता है, समझ पा रहे हैं, ये चाहिए होता है। हाँ, लेकिन बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, रियल में उस टाइम में पैसा का जरूरत है, शुरुआत में पैसा का जरूरत नहीं है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक ब्रांच से दो ब्रांच करना है, या मॉल में कन्वर्ट कर देना है, समझ रहे हैं, या पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस को फैलाना है, या पूरे स्टेट में फैलाना है, या पूरे देश में फैलाना है, उस स्टेज में पैसा का दरकार है, शुरुआत में पैसा का जरूरी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन का इंटरव्यू जो भी बड़ा बना है उनका इंटरव्यू आप सुन लीजिएगा, समझ पा रहे कौन है भाई, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो शुरुआत में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए, समझ पा रहे क्या बोल रहे, हिम्मत रहेगा बहुत कम पैसा लगता है शुरुआत में, वो पैसा आपके फैमिली से जुगाड़ हो जाएगा, समझे। तो शुरुआत में बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, वो कहाँ से जुगाड़ होगा, या तो खुद कहीं नौकरी करके जुगाड़ लो, या तो मम्मी पापा से जुगाड़ कर लो, या तो रिश्तेदार दोस्त यार कहीं से भी आप जुगाड़ कर लो, उससे भी ना हो रहा पार्टनरशिप कर लो किसी के साथ, समझ पा रहे हैं क्या बोले, पार्टनरशिप में कमाई होगा ना जी, फिर देखना फ्यूचर में क्या करना है, सही चल रहा तो पार्टनरशिप में रहेंगे, नहीं सही चल रहा तो अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे, उसको भी बनिया करेंगे हम भी बनिया रहेंगे, समझे क्या बोला, उससे भी नहीं हो रहा था किसी को पूर्वक बना दो, किसी को पूर्वक बना दीजिए, बट चिटिनबाजी नहीं, उसका पैसा वापस होना चाहिए, चिटिनबाजी काम कभी सक्सेस नहीं होता है, समझ रहे, उसका पैसा वापस हो जाना चाहिए, शुरुआत में यही तरीका है, लेकिन बड़ा करना है बिजनेस को तो उस समय पैसा का दरकार पड़ता है, तो उस समय जब पैसा का दरकार पड़ेगा तो बिजनेस में पैसा का जुगाड़ करने का तीन को स्रोत है, सुन लीजिएगा ध्यान से, तीन स्रोत है हम लोगों का, एक है आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म सोर्सेस का मतलब होता है कि 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेस मतलब हमें चाहिए 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा, तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्स में जाना होगा। एक होता है मीडियम टर्म, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए रुपया चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे भाई, मीडियम टर्म में चले जाएंगे, मीडियम टर्म। और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीने में दे देंगे या 2 महीने में दे देंगे या मैक्सिमम 12 महीने के अंदर अंदर लौटा देंगे, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं। शुरुआत में जुगाड़ कहाँ से करेंगे उसका उपाय तो बताइए, समझ रहे, फाइनेंस क्या होता है भाई, रुपया, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए दो तरीके का पूंजी चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और कौन सा कैपिटल चाहिए होता है भाई, वर्किंग कैपिटल। व्यापारी को आज फिक्स कैपिटल का समस्या नहीं है, वर्किंग कैपिटल को समस्या है, फिक्स कैपिटल का मतलब बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल, क्या कहते हैं हम लोग, और वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को डेली चलाने का जो खर्च चाहिए, यानी रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो फिक्स कैपिटल का व्यापारी का समस्या नहीं है, फिक्स कैपिटल भारत में मिलता है, आप जितना बिजनेस देख रहे हो ना, बैंक वगैरह जितना देख रहे हो, सारे के सारे भाड़े में, सारे के सारे भाड़े में फिक्स कैपिटल और भाड़ा में ले लेते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल भाड़ा में नहीं मिलता है, बिजनेस करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगाना होगा, समझे। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब रुपया चाहिए यानी पूंजी चाहिए, पूंजी कितना तरीका का होता है, दो तरीका, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स एक्वायरिंग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, और वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, डेली का बिजनेस का खर्च को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। बालक इधर देखना, इधर इधर, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के तीन स्रोत है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है मीडियम टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, कुछ दिन के लिए पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में चले जाइए, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए रुपया चाहिए मीडियम टर्म में आ जाइए, 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए कहाँ चले जाइए, लॉन्ग टर्म में। क्लियर है यहाँ तक? तो लॉन्ग टर्म का पीरियड क्या होता है भाई, मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन कितना ईयर बोलिए, 5 ईयर्स। मीडियम टर्म का कितना पीरियड होता है, 1 to 5 ईयर्स, 1 to कितना ईयर्स, 5 ईयर्स, और शॉर्ट टर्म का कितना होता है, 12 मंथ।
शॉर्ट टर्म का पीरियड कितना होता है भाई 12 मंथ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग टर्म में अगर पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? लॉन्ग टर्म में अगर पैसा लेना है तो हमें इक्विटी शेयर बेचना होगा, कंपनी का इक्विटी शेयर को बेचना होगा, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर को बेचना होगा। समझ पा रही क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर, कौन सा शेयर बोलिए? प्रेफरेंस शेयर को बेचना होगा, या तो अपना रुपया कमा कमा के लगा दो, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। कमाओ बिजनेस का पैसा, बिजनेस में लगा दो, कमाओ बिजनेस का पैसा, बिजनेस में लगा दो, वहां से पैसा निकालने का दरकार नहीं, उसका पैसा उसी में लगा दो, इसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। क्या कहते हैं हम लोग? रिटर्न अर्निंग। या तो आप डिबेंचर इशू करो, डिबेंचर का मतलब होता है लोन, और ये सिक्योर्ड लोन होता है। समझ पा रहे हैं? मैंने इसका पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। डिबेंचर, डिबेंचर से आप ले सकते हैं, लोन का सर्टिफिकेट है, या तो आप बैंक से लोन ले लीजिए, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ये सारे के सारे कौन सा स्रोत है भाई? लॉन्ग टर्म सोर्सेस का स्रोत है। क्लियर है क्या? तो अगर आएगा क्वेश्चन में कि सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ ए बिजनेस, तो आप क्या करिएगा? फटाफट नाम लिख दीजिएगा। क्या क्या भाई लॉन्ग टर्म के लिए? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग, डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है क्या? पक्का पक्का। आगे बढ़े हम लोग। मीडियम टर्म का क्या जरिया है भाई? मीडियम टर्म, मीडियम टर्म का एक ही जरिया है, लोन ले लीजिए या तो डिबेंचर को इशू कर दीजिए, या तो लोन ले लीजिए या तो डिबेंचर को इशू कर दीजिए, ये मीडियम टर्म का तरीका है। क्लियर? शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बढ़िया वाला उपाय है ट्रेड क्रेडिट ले लो। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है दूसरे व्यवसाय से आप उधारी में माल ले लो, उधारी में सामान ले लो। समझ पा रहे? वो भी एक तरीका का पूंजी होता है। जैसे मान लीजिए हमें बिजनेस करना है तो दुकान में जो प्रोडक्ट लगेगा वो बाकी में खरीद लिए, तो बाकी में लिए, तो एक बिजनेस मैन हमें बाकी में दिया, एक तरीका का लोन दिया है, इसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए भाई साहब से हम लोग 10 लाख का माल ले लिए दुकान में, अब 10 लाख का माल है, बिक रहा, पैसा दे रहे, फिर माल ले रहे, बिक रहा, पैसा दे रहे, फिर माल ले रहे, इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं आप लोग के लिए? समझ रहे हैं? ट्रेड क्रेडिट के जरिए आप पैसा ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, लेकिन ये इशू करने के लिए कंपनी होना चाहिए, और आंडू पांडू कंपनी नहीं होना चाहिए, हाई नेटवर्थ ही कंपनी होना चाहिए, माने जिसका नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है, स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आप कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं, कमर्शियल बिल को इशू कर सकते हैं। कमर्शियल बिल तो नाम सुने ही होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लास 11 आप लोगों को मिला होगा, कमर्शियल बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप इशू कर सकते हैं। ये एक वैल्यूएबल बिल होता है जो रेपुटेड बिजनेसमैन के पास पावर होता है कि एक व्यापारी दूसरे के ऊपर में बिल को लिख सकता है। 90 दिन का इसका टेन्योर होता है जनरल, 90 दिन का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें? कमर्शियल बिल किसका बात करें? ये इशू किया जाता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। नहीं तो ट्रेजरी बिल आप इशू कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल को हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जीरो कूपन माने होता है इंटरेस्ट, कूपन माने क्या होता है? अब पर ये तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट माने ये ऐसा बॉन्ड है जो इशू होगा डिस्काउंट पे और रिपेबल होगा पार पे। इशू होगा डिस्काउंट पे और रिपेबल कैसे होगा? पार पे। मतलब 10,000 का बॉन्ड है तो आपको 8,000 पे मिलेगा, और जिस दिन मैच्योरिटी आ जाएगा ना, आपको लौटाया जाएगा 10,000। तो आप किने कितना में थे? 8,000। आपको दिया कितना? कितना फायदा हो गया? माने इट इज इशू एट डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार। किसका बात कर रहे हम लोग? जीरो कूपन बॉन्ड। बोलो क्या बोले हैं? जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, या बैंक एडवांसेस, बैंक से ले लीजिए, लोन वगैरह ले लीजिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं बैंक एडवांसेस। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे कौन सा स्रोत है भाई? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का स्रोत है। क्लियर है क्या? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऊपर आएगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस का क्या क्या स्रोत है। अच्छा एक और स्रोत है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस ले लो। बहुत सारे बिजनेस में देखिएगा ऑर्डर दीजिएगा ना तो लोग बोलता है कि हमें एडवांस दीजिए, एडवांस नहीं दीजिएगा तो हम आपको गुड्स नहीं देंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात करें हम लोग? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आप कस्टमर से क्या ले लीजिए? एडवांस ले लीजिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कस्टमर से आप क्या ले लीजिए? एडवांस ले लीजिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। समझ रहे हैं? ये कहीं पे अपने नोट्स में अगर जगह है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए थोड़ा सा,
कहीं पे अगर जगह है तो ओनर्स फंड। बालक सुनो, ओनर्स फंड नाम से ही पता चल रहा है, ओनर्स फंड का मतलब क्या हुआ? मालिक ने क्या किया भाई? अपना पैसा लगाया। जब आप अपना पैसा लगाइएगा ऐसे फंड को कहते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मींस फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। ओनर्स फंड मींस फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पॉकेट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। या तो आप पॉकेट से रुपया लगा दो या तो बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगा दो, बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में ही लगा दो, इसे हम कहते हैं ओनर फंड। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है क्या? ओनर फंड के तहत तीन चीज आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और क्या आता है रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का कमाया हुआ धन बिजनेस में ही लगा देना है, समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग। क्या कहते हैं लोग भाई? रिटर्न अर्निंग। बोलो क्या बोले हैं? रिटर्न अर्निंग। तो ओनर्स फंड का एग्जांपल क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग। ओनर्स फंड का मतलब क्या होता है? या तो आप अपने पॉकेट से रुपया लगा दीजिए या तो आप बिजनेस से कमा के बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा दीजिए, इसको हम क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। जब लोन के जरिए पैसा का जुगाड़ करेंगे इसको कहते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड मींस फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। बोलो क्या बोले? बोरोड फंड मींस फंड टेकन बाय वे ऑफ। एग्जांपल क्या हो जाएगा? डिबेंचर और क्या? लोन। डिबेंचर और लोन किसका बात कर रहे? बोरोड फंड किसका बात कर रहे? अच्छा, डिफरेंस का अगर बात करें तो पहला तो हम लोग का डेफिनेशन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा बोलो? डेफिनेशन। दूसरा हो जाएगा एग्जांपल। किसका एग्जांपल? ये है। इसका एग्जांपल क्या है? डिबेंचर है और लोन। डिबेंचर है और क्या भाई? ओनर्स फंड जो होता है ना रिस्की कैपिटल होता है। इट इज अ रिस्की कैपिटल। इट इज अ कौन सा कैपिटल? रिस्की कैपिटल। लेकिन बोरोड फंड नॉट अ रिस्की कैपिटल। बोरोड फंड कोई रिस्की कैपिटल नहीं है, लेकिन ओनर्स फंड जो होता है ना रिस्की कैपिटल होता है। बोलेगा कैसे रिस्की होता है? ओनर्स फंड का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए ये लोगों को अपना इक्विटी बेच के कुछ पैसा ले लिया, तो ये लोग तो मालिक हो गया ना। अब मालिक कोई और अलग बात बोलेगा, कोई ये अलग बात बोलेगा, हो सकता है हमारे कंपनी का कंट्रोल बिगड़ जाए, हमारे कंपनी पे टेक ओवर हो जाए, समझ पा रहे? तो दिक्कत होता है ओनर्स फंड में। तो ये रिस्की कैपिटल होता है। ये अपना कमाया हुआ पैसा अपना बिजनेस में लगा रहे, बिजनेस कौन सा मोड़ कब लेगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि कमाया हुआ धन सारा चला जाए, खत्म हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, समझ रहे? तो ये रिस्की कैपिटल होता है। लेकिन ये रिस्की कैपिटल नहीं होता है। रिस्की कैपिटल क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोन लिए तो आपको पता है कि हमें इतना इंटरेस्ट देना है, इतना दिन में पैसा चुका देना है, समझे? टेक ओवर का चांसेस नहीं रहेगा, टेक ओवर नहीं होगा आपके कंपनी पे, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये रिस्की कैपिटल होता है, ये रिस्की कैपिटल नहीं होता है। इसके लिए सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड, कोई गिरवी नहीं देना होगा। लेकिन बोरोड फंड से पैसा लीजिएगा तो जमीन वमीन का कागज देना होगा, इसके लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी ओनर्स फंड में क्या मिलता है? डिविडेंड। ओनर्स फंड में क्या मिलता है भाई? डिविडेंड। बोरोड फंड में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। बोरोड फंड में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है, कोई अधिकार को कैरी नहीं करेगा, समझे क्या बोल रहे? किसका बात करें? इक्विटी शेयर किसका बात करें? तो इक्विटी शेयर का कभी फीचर्स पूछा जाता है, कभी एडवांटेजेस पूछा जाता है, तो हम एक जैसा ही लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल पहला लिखेंगे हम लोग, इट इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, ये कंपनी में परमानेंट बना रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। इट इज अ पार्ट ऑफ कौन सा फंड? ओनर्स फंड का पार्ट है और ये परमानेंट रहेगा। ओनर्स फंड का पार्ट है और ये परमानेंट रहेगा। इट इज इजिली मार्केटेबल, जब मन करेगा तब आप इक्विटी बेच सकते हैं। इट इज इजिली मार्केटेबल, इट इज इजिली। इक्विटी शेयर कैनॉट बी रिडीमेबल, इसका पैसा लौटा नहीं सकते हैं, बट कैन बी बाई बैक, बाई बैक कर सकते हैं। बाई बैक माने अपना शेयर को हम शेयर होल्डर से खरीद सकते हैं, अपने शेयर को हम शेयर होल्डर से दोबारा खरीद सकते हैं, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? किसका बात किया हम लोग? इक्विटी का एडवांटेजेस बोलिए या फीचर्स बोलिए। तो पहला क्या हो जाएगा? इट इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। इट इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कौन सा फंड? ओनर्स फंड। कौन सा फंड? इट इज इजिली मार्केटेबल, आराम से बेच सकते हैं। इट इज इजिली मार्केटेबल, आप आराम से जब चाहे जब बेच सकते हैं। और चौथा वाला क्या बोले हैं भाई? चौथा वाला क्या बोले हैं? बोलो। इट कैनॉट बी रिडीमेबल,
बट इट कैन बी बाई बैक, इसका पैसा लौटा नहीं सकते हैं बट हम बाई बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है, जैसे रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में इसका अधिकार रहता है कि हम इतना परसेंट डिविडेंड लेंगे। डिविडेंड माने शेयर पे जो लाभ मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। बालक मोबाइल को पॉकेट में रख लो और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ रहे हैं। किसका बात करें हम लोग, प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल आर दोज कैपिटल विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। इसमें क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। किसी प्रेफरेंशियल राइट को कैरी नहीं करता है, कौन भाई, इक्विटी। लेकिन प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किसका बात कर रहे भाई, प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल दोनों का डिफरेंस आता है एग्जाम में, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे दोनों का, उसके बाद लिखेंगे इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट अवेलेबल और प्रेफरेंशियल में वोटिंग राइट नॉट अवेलेबल। इक्विटी अगर किनिएगा ना तो कंपनी के डिसीजन में आप बोल सकते हैं कि आप ये काम करिए ये मत करिए, बोल सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस किनिएगा तो वोटिंग राइट आपको अवेलेबल नहीं है। इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स इक्विटी में। लेकिन प्रेफरेंस में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम, इसका पैसा वापस नहीं कर सकते हैं बट बाई बैक कर सकते हैं। बाई बैक का मतलब समझ पा रहे, पढ़े थे ना हम लोग सेमेस्टर 5 में बाई बैक। बाई बैक मीन्स परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर टू यूज द आइडल कैश टू यूज द, समझ पा रहे, जब अपना खुद का शेयर हम शेयर होल्डर से खरीद लेंगे उसको हम बाई बैक बोलते हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। तो इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं कर सकते बट बाई बैक कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी रिडीमेबल, इसका पैसा हम वापस लौटा सकते हैं, इसका पैसा हम वापस लौटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम टेन्योर इसका 20 साल होता है, मैक्सिमम 20 साल का समय होता है। कितना साल, 20 साल, 20 साल बाद पैसा लौटाना होगा। समझे क्या बोल रहे कि नहीं समझ में आ रहा है, पक्का बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। किसका बात करें, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, बोलो क्या बोले। तो पहले तो डेफिनेशन हो जाएगा कि इक्विटी शेयर आर दो शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, वोटिंग राइट अवेलेबल, वोटिंग राइट नॉट अवेलेबल, डिविडेंड नॉट फिक्स, डिविडेंड फिक्स, इट कैन नॉट बी रिडीमेबल बट कैन बी बाई बैक, और प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर कैन बी। समझ गया क्या बोले, इट इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, परमानेंट का नेचर रही है। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, ये परमानेंट नेचर का कैपिटल नहीं है। किसका बात करें, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस का। समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। डिबेंचर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। डिबेंचर, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डेट के सर्टिफिकेट को हम डिबेंचर कहते हैं। डेट के सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर, क्या कहते हैं बोलिए। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डेट के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, डिबेंचर। समझ पा रहे, तो डिबेंचर कौन इशू करेगा भाई, कंपनी। समझ पा रहे, मतलब डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन विच इज इशूड बाई कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर लोन का सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी इशू करता है डिबेंचर होल्डर से पैसा लेने के लिए। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी का डिबेंचर होल्डर क्या भाई, क्रेडिटर्स है। जो व्यक्ति शेयर कीनेगा उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी के ओनर को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर क्या, कंपनी के क्रेडिटर है। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, तो डिबेंचर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। बोले क्या बोले, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन व्हिच इज इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। ये लोन का सर्टिफिकेट है जो कि कौन इशू करता है, कंपनी, ताकि डिबेंचर होल्डर से क्या कर सके, पैसा ले सके। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स को हम क्या कहते हैं भाई, डिबेंचर होल्डर। क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए तब तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉर्पोरेट क्रेडिट तो समझा ही दिए हैं कि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार में गुड्स देगा उसे क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं हम लोग, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब कस्टमर से आगे ही पैसा ले लीजिए फिर गुड्स को बना के दीजिए, इसको हम कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर।
बैंक एडवांसेस, बैंक से लोन में अगर आप ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हम कहते हैं बैंक एडवांसेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जितना लेक्चर के एक बार पहले मार्क करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,